हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी, डिलीशियस, हेल्दी, साथ ही साथ बहुत ही न्यूट्रिशियस पीनट बटर की रेसिपी और बच्चों की ऑल टाइम फेवरेट। इस पीनट बटर को हम बनाएंगे घर पर सिर्फ 2 मिनट में, वो भी घर में अवेलेबल सामानों के साथ। आप बच्चों को, बड़ों को इसे टोस्ट पे लगा के, पराठों पे लगा के दीजिए, उन्हें बहुत पसंद आएगा और ये उनके लिए बहुत हेल्दी भी है क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत अच्छा होता है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी और बनाते हैं होममेड पीनट बटर बिल्कुल बाजार जैसा टेक्सचर और टेस्ट के साथ। और आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए न्यू वीडियो नोटिफिकेशन के लिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। तो देखिए, यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 150 ग्राम जितने पीनट्स, मतलब मूंगफली के दाने। अभी मैंने यहाँ पे कच्चे दाने लिए हैं। और जब भी आप पीनट बटर बनाने जाएं, मूंगफलियों को एक बार देख लीजिए, मतलब अगर उसमें कोई भी खराब मूंगफली हो तो उसे निकाल दीजिए, नहीं तो वो अगर पिस गई तो आपके बटर का सारा टेस्ट खराब हो जाएगा। तो बस मैंने यहाँ पे सारी मूंगफलियों को एक बार चेक कर लिया था, जो भी खराब थी उन्हें निकाल दिया था। और अब इन मूंगफलियों को हमें करना है ड्राई रोस्ट। तो एक नॉनस्टिक पैन में बिना तेल, बिना घी डाले हम इसे सूखा भून लेंगे कुछ 1 से 2 मिनट के लिए। हमें इसे बहुत अच्छे से भूनना है, इसका कलर चेंज हो जाए तब तक। तो देखिए, यहाँ पे मैंने आधे मिनट के लिए पहले अपनी मूंगफलियों को भून लिया था। इसमें हल्के हल्के से ब्लैक से स्पॉट्स आ गए हैं, लेकिन अभी हमें इसे और भूनना है। तो मैंने इसे 1 मिनट के लिए और भूना और आप देख रहे हैं अब यहाँ पे हमारी मूंगफली बहुत अच्छे से भून गई है, कलर भी चेंज हो गया है। तो गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और मूंगफलियों को होने देंगे हम ठंडा। यहाँ पे मूंगफली के दाने बहुत अच्छे से ठंडे हो गए हैं, अब हमें इनके छिलके निकाल लेने हैं। कभी कभी लोगों को बहुत दिक्कत आती है छिलके निकालने में, तो मैं यहाँ पे आपको बहुत सिंपल सा स्टेप बताती हूँ। आप कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, उसमें डाल दीजिए ये मूंगफली के दाने और इस कपड़े की बना लीजिए पोटली। सारे साइड से अच्छे से कवर करिएगा, नहीं तो मूंगफली निकल जाएगी। और फ्लोर पे अभी से स्टार्ट करिए आप रब करना। आप जितनी जल्दी इसे रब करेंगे उतनी ही जल्दी आपके सारे छिलके मूंगफलियों में से निकल जाएंगे। तो है ना, बिल्कुल इजी स्टेप। और यहाँ देखिए, यहाँ पे मेरे मूंगफली के दाने रेडी हो गए हैं, बहुत अच्छे से ठंडे भी हो गए और छिकल भी सारे निकल गए। और आप देख रहे हैं हमने कलर बिल्कुल चेंज कर दिया है क्योंकि हम बना रहे हैं बिल्कुल बाजार जैसा पीनट बटर, तो उसके लिए मूंगफली इसी स्टाइल से भुनिएगा। तो बस इसको अब हम डाल देंगे मिक्सर ग्राइंडर के अंदर। मूंगफलियों को अच्छे से ठंडा होने दीजिएगा, नहीं तो अगर ये गर्म रही तो ये तेल छोड़ देगा और बिल्कुल भी जो हमें टेक्सचर चाहिए ना वो नहीं मिलेगा। तो अब हम डालेंगे इसके अंदर 1 चम्मच जितना मूंगफली का तेल। अगर आपके पास मूंगफली का तेल नहीं है तो आप घर में जो भी तेल यूज़ करते हैं वो 1 चम्मच ले लीजिए, लेकिन अगर मूंगफली का तेल लेंगे तो पीनट बटर का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। और अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर 1/4 चम्मच का भी आधा जितना नमक, क्योंकि पीनट बटर ज़्यादा सॉल्टी नहीं होता, बहुत माइल्ड से उसमें सॉल्टी टेस्ट होता है, इसलिए 1/4 चम्मच का भी आधा हम डालेंगे इसमें नमक। और अब मैं डालूंगी इसमें 1 चम्मच जितना शहद। अगर आपको पीनट बटर मीठा नहीं पसंद, मतलब सिर्फ सॉल्टी पसंद है, तो आप इसमें सॉल्ट डालिए, और आपको अगर मीठा पसंद है तो इसमें आप शहद और शुगर डालिए। अगर नहीं डालना है तो आप दोनों चीज़ें स्किप कर सकते हैं। अगर आपके पास शहद नहीं है तो आप इसमें 2 चम्मच जितनी शुगर डालिए, और शुगर नहीं डालना चाहते तो 2 चम्मच जितनी शहद डाल दीजिए। मैं इसमें दोनों आधा आधा डाल रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को पीनट बटर थोड़ा सा स्वीट पसंद है। तो बस 1 चम्मच शुगर और 1 चम्मच शहद डाल के ढक्कन लगा के हम इसका एकदम स्मूथ सा पेस्ट रेडी कर लेंगे। जब आप मिक्सर ग्राइंडर को चलाएं उसे 30 सेकेंड्स में रुक रुक के चलाइएगा, क्योंकि मूंगफली जो है वो साइज में चिपक जाती है। तो चम्मच से उसे निकाल के आप बीच में इकट्ठा कर लीजिए और फिर दोबारा मिक्सर ग्राइंडर को चलाइए। कुछ 3 से 4 बार आप ऐसा करेंगे तो आपके पास एकदम स्मूथ टेक्सचर वाला पीनट बटर आ जाएगा। आप देख रहे हैं ना, ये कितनी अच्छी परफेक्ट कंसिस्टेंसी से हमारा यहाँ पे पीनट बटर रेडी हुआ है, ना बिल्कुल पतला है और ना बिल्कुल गाढ़ा। तो इस पीनट बटर को घर पर एक बार ट्राई करिए, गारंटी है बच्चों को बहुत पसंद आएगा और ये उनके लिए बहुत हेल्दी भी है। तो इस रेसिपी को घर पे ट्राई करिए, आपका फीडबैक एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स पे जरूर शेयर करिए। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियो नोटिफिकेशन।